जय श्री राम, जय गुरु महाराज। मैं सागवाड़ा विधानसभा से शंकरलाल डेचा बोल रहा हूं। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, काल्पनिक थे। कुछ लोग हमारे जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वे लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है यूं भी बता रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम काल्पनिक थे तो रामायण के पात्र हनुमान भी, हनुमान जी भी हैं, सबरी माता भी है और वाल्मीकि, जो वालिया भील के नाम से हम लोग जानते हैं, आदिवासी लोग जानते हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे और क्यों कर रहे, हमारी समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आप राजनीतिक करते हो, ठीक बात है, लेकिन हमारी आदिवासी भोली भाली समाज है, इनको गुमराह करके आप कहां ले जाना चाहते हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिला जो है, यहां हमारे अधिक आदिवासी भाई रहते हैं, लेकिन किस किस क्षेत्र में जो चर्च बन रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा आदिवासी भाई को धर्म बदली करके वो चर्च में जा रहा है, ईसाई बन रहा है, उसको वो कह नहीं रहे, उसको उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो ये साजिश है बहुत बड़ी, आदिवासियों के साथ में धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं हमारे आदिवासी भाई जो हैं और आदिवासी युवा जो हैं, इनसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो आने वाले समय में चलने वाली नहीं है। कुछ दिन तो चल जाएंगे ये आगे, लेकिन आगे चलने वाले नहीं है। हमने देखा है ये देश तोड़ो जो संगठन बना रहे हैं, छोटे छोटे दल बना रहे हैं, इसमें ये जो दल के लोग बोल रहे हैं वो भी सम्मिलित है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो अपने आप समझ जाएंगे कौन लोग हैं। तो मैं, हमारी जो आदिवासी समाज है, वागड़ की जनता है, इनसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब ये समय आ गया है, हम भगवान को उड़ते ही भगवान राम का नाम लेते हैं, और अगर आज भगवान राम नहीं होते तो 500 साल का इतिहास देख लीजिए आप। 500 साल बाद हमारे हिंदू भाइयों ने, आदिवासी जो हैं, हम सब ने मिलकर के बहुत लंबी तपस्या की और लाखों लोग शहीद हो गए राम मंदिर के लिए, लेकिन आज 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और उसके अंदर भगवान राम विराजित हुए। तो भगवान राम कहीं ना कहीं है और हम भगवान राम के वंशज हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर हम आदिवासी भाई, हमारे जो आदिवासी भाई है वो नहीं समझेंगे तो वो तो बेणेश्वर, जो हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, तो वो भी कल कहेंगे ये भी काल्पनिक है, मावजी महाराज भी काल्पनिक थे, ऐसा कहने वाले भी आएंगे। और यही लोग कहेंगे, क्योंकि आदिवासी भोला भोली भाली समाज है आदिवासी की, इसलिए आदिवासियों को फिर कहने वाले हैं कि ये तो बेणेश्वर धाम भी हमारा नहीं है ऐसा। तो आजकल ये लोग बहुत चर्चा में हैं, लेकिन आप सबको, हमारे जो आदिवासी भाई है इनको समझना पड़ेगा। सबरी माता कौन थी वो भी समझना पड़ेगा, वाल्मीकि कौन थे वो भी समझना पड़ेगा, और हमारा, मेरा विधानसभा सागवाड़ा क्षेत्र है, वहां वाल्मीकि का मंदिर है, आदिवासियों ने बनाया है और वहां पूजा पाठ सब होता है। आज अगर हम देखते हैं तो मांडव में बहुत बड़ा मांडवीय हनुमान का मंदिर है, हनुमान जी भी रामायण के पात्र हैं, और उसमें जो मांडव में जो हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, वहां पर भी आदिवासी भक्त हैं, वही उसका पूजा, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं उनको आप सबको समझना पड़ेगा, और ये जब जब भी चुनाव आते हैं उस समय ये बात समाज के बीच में डालते हैं।
तो आने वाले समय में आप समझे हम आदिवासी बरसों बरस से हिंदू, हमारे बाप दादे परदादे भी हिंदू थे, और प्रकृति पूजक भी बात करते हैं, प्रकृति पूजक हम सर्व समाज जो है उसमें आ गया, प्रत्येक प्रकृति पूजक में हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये सब हम सबको समझना पड़ेगा, और आने वाले समय में ऐसे ऐसे कोई कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारे आदिवासियों को बहला पुछला करके ये काम करवाएंगे, और ये कहते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं है। कौन कहता आदिवासी हिंदू नहीं है? इतिहास के पन्ने उठा करके देखो, हमारी समाज बरसों बरस से आदू आदू से आदिवासी है, और वो हिंदू धर्म को मानने वाला है। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, जय गुरु महाराज, राम राम।